मोदी मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को जगह, भाजपा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई। नितिन गडकरी ने वेबिनार में कहा 2025 से पहले देश में सड़क हादसों में 50% कमी लाने का रखा गया है लक्ष्य। बार एसोसिएशन ने सीजीआई एनवी रमना को लिखा पत्र, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का किया अनुरोध। अजय माकन ने बिजली बिल में फिक्स चार्ज को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, किया पंजाब का जिक्र। कुलगाम और पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, 2 दिन में 5 दहशतगर्द ढेर। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ऑनलाइन बैठक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस परियोजना का द्वितीय फेज भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जितने भी माध्यमिक स्कूल CBSE के मानक को पूरा करते हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। इनसे संबंधित विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग में अंग्रेजी माध्यम में 10 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। आज डिपार्टमेंट बढ़ने के पश्चात हमने तय किया कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम पे आम जनमानस का विश्वास पुनः सरकारी सिस्टम पे जगा है और इसको और मजबूत करने के लिए प्रत्येक अटल उत्कृष्ट विद्यालय के साथ 5-5 प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ा जाए, इसका निर्देश हमने जारी किया है। और प्रदेश के अंदर आज सेकंड फेज अटल उत्कृष्ट विद्यालय के सेकंड फेज की मैं घोषणा करता हूँ। और इसमें हमने प्रत्येक विकास खंड में, जैसे हमने पहले लिया था कि 2-2 विद्यालय हम लेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय में, अब हमारे अधिकारियों को निर्देश हमने दिया है कि इस प्रदेश में जितने माध्यमिक के स्कूल हैं जो जो CBSE बोर्ड के मानकों को पूरा करते हैं उन सब की सूची बनाने का हमने निर्देश दिया है। और सभी विद्यालयों में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने पहली बार मंत्री बनने के बाद विभाग की बैठक लेते हुए उत्तराखंड में निशुल्क बिजली देने का ऐलान किया। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर प्रति परिवार महीने में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली का बिल नहीं भरना होगा। वहीं 100 से 200 यूनिट के बीच यदि कोई परिवार बिजली खर्च करता है तो उसे 50% बिजली के दाम अदा करने होंगे। हरक सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव आ जाएगा जिसके बाद निःशुल्क बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। आज लगभग 26 लाख उपभोक्ता है, जब राज्य बना था तब 8 लाख उपभोक्ता थे प्रदेश के अंदर, और आप 26 लाख उपभोक्ता है जिसमें से लगभग 23 लाख उपभोक्ता डोमेस्टिक हैं जो घरेलू घर में बिजली का उपयोग करते हैं, और 3 लाख लगभग कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के उपभोक्ता हैं जो आज हमारा एक तरह से बिजनेस हो रहा है। उसमें लगभग 820 करोड़ कॉमर्शियल है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास इंडस्ट्री से हमको जो सेल होती है बिजली की उससे मिलता है, 1500 करोड़ रुपया लगभग घरेलू कनेक्शन से मिलता है, और लगभग 500 करोड़ जो सरकारी ऑफिस हैं उससे मिलता है, लगभग 6800 करोड़ रुपया लगभग हमको इस समय। उत्तराखंड में लगभग 100 दिन के बाद बुधवार को एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। बीते 24 घंटे में 13 जनपदों में से 77 नए संक्रमित मिले हैं जबकि 104 स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर किसी भी जिले में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। इससे पहले 28 मार्च 2021 को प्रदेश में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई थी। वहीं 104 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने
धरातल पर काम किया है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं में जोश है, बेरोजगारी की समस्या जिसे हम बार बार सुनते थे, अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद एक उम्मीद जगी है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे जिले के निवासी हैं, और सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने धरातल पर कार्य किया है, जो वास्तव में जानते हैं कि इस तराई के अंदर, इस जिले के अंदर ज्वलंत विषय कौन से हैं। इस प्रदेश से भी वो अछूते नहीं रहे, उन्होंने सदैव युवाओं विधायक में अगर गिनती होती है तो उनकी एक अच्छी विधायकों में गिनती होती रही थी। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री बने, और ऐसे मुख्यमंत्री जिनके आने के बाद युवाओं में। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार की घटनाओं समेत कई मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। कांग्रेस ने मुख्य बाजार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विरोध में नारे लगाए और पुतला फूंका। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला दहन किया गया। तो कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसी लगातार विपक्ष सत्ताधारियों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी को लेकर आज एक बार फिर रुद्रप्रयाग में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए महंगाई को कम करने की मांग की है। आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे प्रत्येक जिला और शहर मुख्यालय में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। आज की जो मुख्य मांगे हैं कांग्रेस पार्टी की, आप देख रहे हैं कि देश में निरंतर महंगाई की दर बढ़ रही है, और भाजपा महंगाई को घटाने के नाम पर सत्ता में आई। लोहा जो अभी आप देख रहे हैं कि भवन सामग्री के अंदर जो लोहा सरिया इस्तेमाल होता है उसमें 50-60% की वृद्धि हो गई, और पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार कर रहे हैं, और खाद्य तेल की कीमत जो 100 रुपये से 224 रुपये हो गई, जो आम आदमी के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकताएं थी उसमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और अप्रत्याशित ढंग से सरकार मूल्य। अल्मोड़ा में पेयजल की किल्लत और घरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जल संस्थान ने इस समस्या से निजात नहीं दिलवाई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने कहा कि अल्मोड़ा नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत लंबे समय से बनी है। उन्होंने कहा कि अगर जल संस्थान जल्द ही पेयजल की इस समस्या का निराकरण नहीं करती है तो कांग्रेस जनता के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगी। बाजपुर के ग्राम रामपुरा शाकर में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के बच्चों की शिक्षा को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बाजपुर में के ग्राम रामपुरा शाकर निवासी कदीर अहमद को ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन प्रदेश सचिव चुने जाने के बाद आज उनके आवास पर क्षेत्र के तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष शेख अब्दुल अजीज मुख्य अतिथि रहे। बैठक का मकसद प्रदेश के तमाम मुस्लिम समुदाय के बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराना था। पत्रकारों से बात करते हुए समय प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि मुस्लिम बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराने में फेडरेशन का सदैव प्रयास रहा है, जिससे मुल्क में शिक्षित मुस्लिम बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये मीटिंग मुसलमानों में, यूं तो मुसलमान जिंदगी के हर मैदान में पिछड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तालीम, जैसा कि अभी नूरी साहब फरमा रहे थे बहुत अच्छा, तो बिना तालीम और तहरीक से जुड़े इंसानी वजूद की पहचान बाकी नहीं है। जिंदगी और जमाने में वही जिंदाबाद रहते हैं जो जिंदगी के मैदान में सरगरम और एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन पूरे भारत में, पूरे मुल्क में सेकुलर कदरों के साथ इंसानी रिश्तों में दर्द का रिश्ता पैदा करते हुए ये पैगाम दे रही है कि अपने आने वाली नस्लों के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए,
अपनी खुशहाली और तरक्की के लिए मुकाबले में मुस्लिम माशरे में मुस्लिम समाज में तालीम का मैयार। लक्सर खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव में जमीनी विवाद के चलते परिवार के चार लोगों ने 55 साल की महिला कमलेश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी, जिसका खानपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ विवेक कुमार ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला की दल्लावाला गांव में हत्या कर दी गई थी, जिसके खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को लक्सर से श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया और बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मई 2021 को एक सूचना मिली थी हमें रात को कि एक महिला कमलेश का जो है आपसी झगड़े में जो है वो मृत्यु हो गई है, और मौके पे पहुंच के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई थी और इसको लेकर तीन टीमें जो है वो हमने लगाई थी, और इसी के क्रम में जो दो आरोपी हैं मुख्य आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का नाम अमित है और दूसरे का नाम गुरदीप है, और दोनों को हिरासत में ले लिया गया आज कोर्ट के सामने इनको। मसूरी के जारी पानी में बिजली के खंभे मौत को दावत देते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल खंभे पूरी तरह से एक तरफ झुक गए हैं और जिसमें से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन भी नजर आ रही है। क्षेत्रीय सभासद सुरेश थपलियाल ने बताया कि उन्होंने संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से भी अवगत कराया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने एक पत्र एसडीओ विद्युत विभाग को दिया है, जिसमें मांग की गई है कि इन पोलों को शीघ्र यहां से हटाया जाए। देश में कोरोना वायरस ने जहां लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो वहीं चमोली में बेरोजगार हुए दो युवकों ने हवाई चप्पल की इकाई खोलकर स्वरोजगार की तरफ कदम उठाया है। युवाओं का ऐसा स्वरोजगार की दिशा में किए गए प्रयास पलायन से खाली होते पहाड़ों को पुनर्जीवन दे सकने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। इन युवाओं से बातचीत करने पर इन्होंने कहा कि कोरोना काल के चलते शहरों में बेरोजगारी और भुखमरी के कारण घर गांव लौटने में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हमने अपने घर गांव के आसपास ही रोजगार के लिए साधन जुटाने की कोशिश की है। नमस्कार प्राइम टीवी के लिए, आज मैं जनपद चमोली के पिंडरघाटी में हूं, और पिंडरघाटी का ये मींग गजरा बाजार है। यहां पे कुछ जो युवा हैं, जो युवा पिछले जो साल कोरोना काल के लॉकडाउन से शहरों से भटक भटक करके दर बदर होकर के अपने गांव लौटे थे, उन युवाओं ने कुछ कर गुजरने की जो यहां पे जो लालसा और दिखाई है, जो जुनून दिखाया है, उसके लिए उनके बीच हम आज उपस्थित हैं। यहाँ पे हम ऐसे युवाओं से अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहते हैं, जिन युवाओं ने यहाँ पे सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपना जो स्वरोजगार है उसको अपनाया है, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ के लिए एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है कि जिस ढंग से पहाड़ पलायन की मार झेलते हुए गांव के गांव खाली हो रहे हैं, तो कोरोना काल ने कहीं ना कहीं यहाँ के पहाड़वासियों को सबक सिखाया है, पहाड़ की तरफ वापस लौटाया है। तो आज पहाड़ के जो गांव कभी सूने हो गए थे, आज उनको पुनः उम्मीद की जा सकती है कि वो गांव पुनः बसने के कगार पे हैं, कि यहाँ के जो युवा बेरोजगार हो गए थे वो स्थानीय स्तर पर ही अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं। तो इससे एक उम्मीद बनती है भविष्य के लिए कि पहाड़ का जो जीवन है, जो पहाड़ का जो भौगोलिक स्तर है, जो पहाड़ की जो बेरोजगारी है, यहाँ का जो वह है, उसमें कमी आने की और उसमें निरंतर वृद्धि होने की उम्मीद है कि यहाँ अच्छा होगा, यहाँ के युवा जो अच्छा काम करेंगे और स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार अपना करके अन्य युवाओं को भी रोजगार देंगे। तो हम ऐसे युवाओं के बीच आए हैं आज, यहाँ पे ब्रजेश भंडारी और प्रेम सिंह रावत हैं, जिन्होंने कि इस छोटे से बाजार में हवाई चप्पल की इकाइयों स्थापित किया है, और लगातार पिछले साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम आज इनके बीच आए हैं, इनका जो मनोबल, इनका जो उत्साह हमने देखा वो बिल्कुल काबिल तारीफ है, और इस काबिल तारीफ के साथ ही हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ मिली, क्या आपने पहले कहीं किसी हवाई चप्पल की फैक्ट्रियों में काम किया, या कैसे आपने इन काम को सीखा और आपने साथ कितने युवाओं को ये जोड़ा है, और मार्केट में आपके जो उत्पाद है जो आप बना रहे हैं निर्माण सामग्री हवाई चप्पल की, वो किस ढंग से बिक रहे हैं, आपको क्या प्रोत्साहन मिल रहा है और आप क्या महसूस कर रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? काफ़ी टाइम से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो रोजगार की कमी हुई थी, तो हमने देखा मेरे कई फ्रेंड चप्पल का काम करते थे दिल्ली की बात है, तो उन्हीं ने मेरे को परेशान किया था कि तू घर में जाके चप्पल का काम खोल लिया, बढ़िया काम है, हल्का भी है, बढ़िया भी है। तब जाके थोड़ा यूट्यूब से हमने काम सीखा, फिर सामान मंगाया हमने दिल्ली से, फिर सामान लाया हम, तो उसके बाद हमने दुकान खोली, फिर दुकान में काम मशीन लगाई, फिर काम करा, और उसके बाद धीरे धीरे सही सही चल रहा है, फिर
फिर गाँव में सप्लाई करते हैं, चप्पल मार्केट हो गया जैसे देवाल, थराली, नालागढ़, ये कुलसारी, इन जगह हमारा माल जाता है। तो बहुत 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 सुंदर काम आप लोगों ने कर किया है और यहाँ के जो युवाओं को आप प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि अपना स्वरोजगार अपनाएं, पहाड़ों को छोड़कर कहीं बाहर शहरों में न जाएं, पहाड़ों में रहें और पहाड़ों को आबाद करें। जो पहाड़ों के गांव जो खाली हो गए हैं, पलायन के मार झेल रहे हैं, उनको आप ये संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपने पहाड़ से प्यार करिए, अपने पहाड़ में रुकिए और अपने पहाड़ में ही अपना स्वरोजगार को अपनाइए। तो हम भी आपकी जो उम्मीदें हैं, आपने जो एक जो वर्जन अपना बनाया है, हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं प्राइम टीवी की ओर से कि हम आप अपने काम में सफलता हासिल करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राइम टीवी के लिए चमोली से सुरेंद्रनाथ की रिपोर्ट। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।